क्या हो अगर लाइटनिंग या तेज आंधी वगैरह के कारण ये कंडक्टर टूटकर जमीन पर गिर जाए, यानी कंडक्टर जमीन को टच कर दे। जैसे ये कंडक्टर टूटकर जमीन को टच करेगा तो ऐसी स्थिति में जमीन एज अ न्यूट्रल वायर बिहेव करने लगेगा, जिससे बहुत ज्यादा करंट का फ्लो होने लगता है और इस रीजन में वोल्टेज फैल जाएगा। यानी मान लो अगर कंडक्टर 1,00,000 वोल्टेज को सप्लाई कर रहा था तो यहाँ 80,000 वोल्ट, थोड़ा आगे 60,000 वोल्ट, थोड़ा और आगे 40,000 वोल्ट, कुछ इस प्रकार वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जैसे ही कोई व्यक्ति इस रीजन में आएगा तो बिना कंडक्टर के कॉन्टेक्ट में आए उसे बहुत तेज का झटका लगेगा और वो मर भी सकता है, क्योंकि अगर उसका एक पैर 80,000 वोल्ट में है और दूसरा पैर 60,000 वोल्ट में, तो यहाँ 20,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए इस व्यक्ति को 20,000 वोल्ट का तेज झटका लगेगा। इस रीजन से बच निकलने के लिए हमें दोनों पैर एक साथ जमीन पर रखना चाहिए, यानी कुछ ऐसे जंप करते हुए इस रीजन से बाहर निकलना चाहिए जिससे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा और हम बच सकते हैं।